तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था क्वेश्चन नंबर वन टू टेन तक मेंस की सीरीज़ में क्वेश्चन नंबर एलेवन से सॉल्व करेंगे तो हमारा एलेवेंथ क्वेश्चन है देखिए इलेवेंथ क्वेश्चन एक बार ग्राफ दे रखा है उसमें द नंबर ऑफ पेसेंट्स एजेड टेन और मोर ईयर बट बिलो फोर्टी ईयर्स ठीक है इज़ वाट परसेंट लेस देन द नंबर ऑफ एज एजेड फिफ्टी और मोर ईयर बट बिलो एटी ईयर्स देखिए हमें ये फाइंड आउट करना है कि 10 से 40 वर्षों के बीच में जो पेशेंट्स हैं जितनी संख्या है की वो कितना परसेंट कम है 50 और 80 के बीच में जो पेशेंट्स की संख्या है तो यहाँ पे बार ग्राफ में हम देख सकते हैं कि 10 और 40 के बीच में तो जब दस और 40 के बीच में आप देख सकते हैं ये ऑरेंज कलर से स्टार्ट होता है ठीक है तो ऑरेंज कलर से स्टार्ट होगा और येलो कलर तक वो एंड हो जाएगा तो 14 20 और 24 इनकी संख्या कितना है 14 20 और 24 तो ये हो गया आपका 84 ठीक है 14 20 24 सॉरी दिस इज 14 14 20 24 सो दिस विल बिकम 8 58 ओके okay? फिर कह रहा है कि 50 और 80 वर्ष के जो पेशेंट्स हैं उनकी संख्या कितनी है तो 50 से 80 के बीच हमें निकालना है तो ग्रीन से स्टार्ट करेंगे ग्रीन जो बार है हमारा बार ग्राफ तो 32, 26 और 22, 32, 26, 32, 26 और 22। ये जो है ये ये जो संख्या है आपका वो 80 वर्ष तक वाला का है 50 टू 80 ठीक है ये आपका आ गया दस एटी तो अभी पूछ रहा है क्वेश्चन कि कितना परसेंट ये इससे कम है तो आपको मैं एक फॉर्मूला बताता हूँ पर, परसेंट कमी का और परसेंट वृद्धि का तो परसेंट कमी का फॉर्मूला होता है जिससे कमी जितना कमी हुआ है बाई जिससे कमी हो रहा है इंटू हंड्रेड है ना और परसेंट वृद्धि का फॉर्मूला होगा जितना वृद्धि हो रहा है और जिससे वृद्धि हुआ इन्टू हंड्रेड तो यहाँ पे हमें परसेंट कमी निकालना है कि फिफ्टी एट एटी से कितना परसेंट कम है तो पहले तो कमी निकालेंगे कितना है ये यह यहाँ से तो ट्वेंटी टू का कमी है ट्वेंटी टू कम है है ना अब ट्वेंटी टू किससे कम है तो एटी से कम है एटी से ये कम है तो ट्वेंटी टू बाई एटी हंड्रेड तो ये हो गया कैंसिल वन जीरो से टू से 11 टाइम्स में टू से फ़ोर टाइम्स में एक बार और ये कैंसिल होगा टू से टू टाइम्स में फाइव मीन्स फिफ्टी फाइव बाई टू दैट इज़ ट्वेंटी सेवन पॉइंट फाइव परसेंट मीन्स एटी फिफ्टी एट एटी से ट्वेंटी सेवन पॉइंट फाइव परसेंट कम है तो इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ट्रैंगल पी क्यू आर ओ इज़ द इन सेंटर एंड एंगल पी इज़ इक्वल टू फोर्टी टू डिग्री तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा देखिए इन सेंटर किसे कहते हैं पी क्यू आर पी क्यू आर में इन सेंटर ओ है इन सेंटर कहते हैं उस एंगल बाई सेक्टर के द्वारा जहाँ पे वो एंगल बाई के जो लाइन है वो जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम इन सेंटर कहते हैं एंगल बाई सेक्टर सपोज पी का एंगल बाई सेक्टर ये है इसका यहाँ पे मैंने खींच दिया और एक इसका एंगल बाई सेक्टर खींच दिया ध्यान रखिएगा ये एंगल बाई सेक्टर है ये दोनों एंगल को इक्वलाइज करके डिवाइड कर रहा है ये दोनों एंगल बाई सेक्टर से तो एंगल बाई सेक्टर जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं इसे ही हम इन सेंटर बोलते हैं इसे क्या बोलते हैं हम इन सेंटर तो इन सेंटर किसे कहेंगे जहाँ पे एंगल एक दूसरे एंगल बाई आपस में मिलते हैं इंटरसेक्ट करते हैं तो ए आपको फाइंड आउट करना है ये इसका जो इन सेंटर है वो ओ है तो आपको फाइंड आउट करना है क्यू ओ आर क्यू ओ आर मतलब ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है ठीक है तो मैं इसे यहाँ पे मिटा देता हूँ इसका कोई ज़रूरत नहीं है ठीक मैंने समझाने के लिए इतना ये फिगर बनाया अब समझिए ये जो एंगल आपका दिया है P वो दिया है 45. फाइव दिस एंगल इज गिवन 45. तो 45 एंगल जब दिया तो हमें ये फाइंड आउट करना है कैसे निकलेगा तो इसका दो फार्मूला होता है एक फार्मूला होता है एंगल A इज इक्वल टू सॉरी एंगल बी ओ सी इज़ इक्वल टू नब्बे प्लस हाफ एंगल ए और दूसरा फॉर्मूला होता है एंगल बी ओ डैश सी इज इक्वल टू नब्बे माइनस हाफ एंगल ए ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा मैंने क्या लिखा है देखिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला मैंने लिखा है ए बी सी को ट्रैंगल मान करके सपोज ये कोई ट्रैंगल ए बी सी है ऐसे ए बी सी और इसका एंगल बाई सेक्टर यहाँ मिलता है ओ पर तो फर्स्ट वाले केस में बी ओ सी का जो वैल्यू होगा मतलब ये जो वैल्यू होगा इन सेंटर पे जो एंगल बनेगा इसका वैल्यू 90 प्लस हाफ़ एंगल ए के बराबर होगा 90 प्लस हाफ एंगल ए एंगल हाँ, ए का हाफ और प्लस 90 डिग्री को ऐड करके हम इस बी का वैल्यू निकाल सकते हैं दूसरा कंडीशन मैंने लिखा ये तो ये जो फॉर्मूला है वो इंटरनल बाई के लिए ठीक है जब इंटरनली कोई भी लाइन आ, किसी एंगल को बाइसेकट करेगा तो उस स्थिति में हम बी ओ सी इज इक्वल टू नब्बे प्लस हाफ एंगल ए लिखेंगे लेकिन जब एक्सटर्नली करेगा सपोज यही ट्रायंगल को अगर हम ऐसे इस साइड को बढ़ा दें इसको भी ऐसे बढ़ा दें तो आप देख सकते हैं किसी भी एंगल का दो पार्ट होते हैं एक इंटरनल एंगल होते हैं एक एक्सटर्नल एंगल होते हैं तो अगर अगर हम बी की बात करें तो बी का ये वाला एंगल जो आप देख रहे हैं वो इंटरनल एंगल है लेकिन अगर इस एंगल की अगर बात करें तो ये एक एक्सटर्नल एंगल है तो जब एक्सटर्नली जब डिवाइड करेंगे कोई लाइन तो एक्सटर्नली डिवाइड करने के बाद ये यहाँ पे आके मिलेगा ठीक है तो इसे हमने ओडेस मान लिया इसे क्या मान लिया ओडेस तो जब एक्सटर्नल डिवीजन होता है तो एंगल बी ओ सी बी ओडेस सी इज़ इक्वल टू नब्बे माइनस हाफ एंगल है इसमें हम माइनस कर देते हैं तो ऊपर का जब हमें याद रखना है अंदर का तो हम प्लस करेंगे और जब बाहर का हमें याद रखना है तो माइनस करेंगे मतलब इंटरनल बाई में प्लस होगा और एक्सटर्नल बाई में माइनस होगा तो इस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं एंगल क्यू क्यू ओ आर का हमें वैल्यू निकालना है तो 90 प्लस हाफ एंगल ए तो ये हमारा 42 डिग्री दिया है तो इसे हम क्या कर देंगे 21 डिग्री तो 111 ये हो गया आपका राइट आंसर चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे एन आर्टिकल इज मार्क्ड 35 फाइव परसेंट एबव इट्स कॉस्ट प्राइस देखिए किसी आर्टिकल को उसके कॉस्ट प्राइस से 35 परसेंट ज़्यादा मार्क किया जाता है तो आर्टिकल सपोज अगर हंड्रेड रुपीज़ कॉस्ट प्राइस का है तो उसका मार्क प्राइस है वन थर्टी फाइव रुपीज़ थर्टी फाइव परसेंट उसका बढ़ा करके मार्क किया जाता है तो मतलब थर्टी फाइव हो गया वन थर्टी फाइव इफ़ ए प्रॉफ़िट ऑफ ट्वेंटी परसेंट इज अर्नड बाई सेलिंग द आर्टिकल देखिए कभी भी प्रॉफिट हमें होता है तो वो हमें कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफ़िट होता है तो प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं तो हमें बीस परसेंट का मुनाफा होता है तो यहाँ से हमने इसे कितने में बेच दिया वन ट्वेंटी रुपीज़ में बेच दिया ठीक है तो कह रहा है कि देन द डिस्काउंट परसेंट ऑफर्ड ऑन द मार्क प्राइज ऑफ द आर्टिकल इज तो कितना डिस्काउंट दिया गया यहाँ से अगर यदि आप डिस्काउंट देखोगे तो फ़िफ्टीन रुपीज़ का डिस्काउंट हो रहा है तो अभी मैंने बताया था कि कमी डिस्काउंट एक पर, एक प्रकार का क्या है प्रतिशत कमी है तो प्रतिशत कमी का मैंने फॉर्मूला बताया था कितना कमी हो रहा है तो फिफ्टीन कमी हो रहा है किससे कमी हो रहा है तो वन थर्टी फाइव से तो फिफ्टीन बाई वन थर्टी फाइव इंटू हंड्रेड तो फिफ्टीन से नाइन टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा तो हंड्रेड बाई नाइन परसेंट हो गया आपका राइट right आंसर तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम एक्स अपियर इन एग्जामिनेशन थर्टी परसेंट स्टूडेंट्स फेल्ड देखिए एक सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने एक एग्जामिनेशन में भाग लिया जिसमें से 30% परसेंट फेल हो गए अगर हम मान लेते हैं कि 100 स्टूडेंट्स ने भाग लिया 100 स्टूडेंट्स ने तो उसमें हम कितने स्टूडेंट्स को फेल करेंगे 30% परसेंट को मतलब कि टोटल अगर स्टूडेंट्स 100 है तो इसमें से 30% परसेंट क्या हो गए ये फेल हो गए ठीक है उसी तरह से पास की अगर संख्या निकाले तो सेवेंटी पास होंगे सौ में से यदि तीस फेल होते हैं तो सत्तर पास होंगे अब आगे कह रहा है कि 155 फिफ्टी फाइव परसेंट मोर स्टूडेंट्स फ्रॉम स्कूल एक्स अपियर इन द सेम एग्जामिनेशन फ्रॉम स्कूल वाई तो देखिए एक्स स्कूल का दिया है अब उसके बाद वाई के स्कूल के बारे में कह रहा है कि वाई में एक से डेढ़ सौ परसेंट ज़्यादा विद्यार्थियों ने भाग लिया तो इससे डेढ़ सौ परसेंट ज़्यादा कितना हो जाएगा दो सौ पचास परसेंट दो सौ पचास इसका डेढ़ सौ परसेंट अगर अधिक करिएगा तो सौ का डेढ़ सौ परसेंट तो डेढ़ सौ ही होता है वन फिफ्टी रहेगा और वन फिफ्टी प्लस हंड्रेड टोटल मिल के हो गया टू फिफ्टी अब इसमें क्या कह रहा है ये कि टोटल एट्टी परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपियर फ्रॉम एक्स एंड वाई पास्ट टोटल कह रहा है कि एट्टी परसेंट पास हो गए टोटल की बात कर रहा है टोटल में एट्टी परसेंट क्या हो गए पास हो गए ठीक तो टोटल जब 80 परसेंट पास हुए हैं तो टोटल कितना परसेंट फेल होंगे तो टोटल 20 परसेंट फेल होंगे इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं टोटल 20 परसेंट क्या हुए फेल हुए टोटल का इसमें हमें पता नहीं है कि कितना परसेंट पास हुए कितना परसेंट फेल हुए है. अभी वाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड फ्रॉम वाई तो फेल्ड की संख्या कितनी है जो वाई से कितने फेल हुए ताकि कुल मिलाकर 20 परसेंट फेल हो जाए ठीक है तो इसके लिए हम क्या करेंगे देखिए सौ का तीस परसेंट तो थर्टी हो गया मान लेते हैं कि इससे तीस लोगों ने फेल आ, किया अब इससे वाई से अगर आते हैं वाई से मान लेते हैं हम कि पी परसेंट लोग फेल हो चुके थे कितना पी परसेंट लोग तो दो सौ पचास का पी परसेंट फेल हो गए इज इक्वल टू टोटल कितना फेल हो गए बीस परसेंट तो टोटल का बीस परसेंट फेल हुए मतलब सौ और प्लस दो सौ पचास तीन सौ पचास तीन सौ पचास का बीस परसेंट 350 का 20% परसेंट ठीक है तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा ये हो गया 70 ठीक है अभी 30 को उधर भेजेंगे तो टू इसको इससे कैंसिल कर सकते हैं फाइव फाइव द ट्वेंटी फाइव फाइव टू द टेन ये हो गया फाइव बाई टू पी इज़ इक्वल टू फोटी तो ये एट टाइम्स में कट जाएगा पी इज़ इक्ल टू सिक्सटीन मतलब सिक्सटीन परसेंट लोग फेल हुए ठीक है जब इसका सिक्सटीन परसेंट लोग फेल होंगे और इसके थर्टी परसेंट लोग फेल होंगे तो कुल मिलाकर कुल संख्या का ट्वेंटी परसेंट फेल आपका आ जाएगा तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे बनाएंगे चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कौशेक ए ब्रैकेट में सेक ए माइनस कॉस ए फिर है कॉट ए प्लस टेन ए इसका हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है तो देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि वैल्यू पुट कर सकते हैं मैंने बताया था आपको कि ठिट्टा का वैल्यू या ए का वैल्यू हम कोई भी एंगल है उसका वैल्यू हम नाइन्टी डिग्री या ज़ीरो डिग्री नहीं लेते हैं जब कॉस का उल्टा सेक दिया हो दोनों और साइन का उल्टा cosec दिया हो तो इस स्थिति में हम जीरो डिग्री नहीं लेते हैं क्योंकि वो फिर अनडिफाइंड हो जाता है अनडिफाइंड होने की वजह से हम इस वैल्यू को नहीं लेंगे जीरो या नाइन्टी डिग्री की बात कर रहा हूँ मैं तो देखिए कॉस भी दिया है सेक भी दिया अगर हम जीरो डिग्री लेंगे तो आपका जो कॉस जीरो का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है वन होता है लेकिन साइन जीरो का वैल्यू कितना होता है जीरो और साइन का उल्टा होता है कॉसैक कॉसक का वैल्यू कितना होता है वन बाई जीरो तो वो इन्फिनीटिव हो जाएगा लेकिन यदि हम कॉस में अगर हम जीरो ले लें कॉस में तो कॉस जीरो का वैल्यू कितना होता है वन होता है तो वन हम रख सकते हैं आसानी से लेकिन कॉट में हम नहीं रख सकते हैं तो बेहतर ये रहेगा कि इस क्वेश्चन में हम थीटा इज इक्वल टू तो कितना ले लें फोर्टी फाइव डिग्री थीटा इज इक्वल टू तो हम फोर्टी फाइव डिग्री ले लेते ले ले हैं तो जब फोर्टी फाइव लेंगे तो कॉस ए फोर्टी फाइव का वैल्यू होता है वन बाई रूट टू इन टू सेक ए रूट टू माइनस वन बाई रूट टू तो रूट टू माइनस वन बाई रूट टू हो जाएगा वन बाई रूट टू ठीक है इंटू कॉट ए प्लस टेन ए इन दोनों का वैल्यू होता है टू तो देखिए रूट टू और रूट टू टू हो गया और टू से टू कैंसिल हो गया वन टाइम्स में तो so, ये वन हो गया आपका आंसर लेकिन ऑप्शन हमें दिए हुए हैं ये न्यूमेरिकल ऑप्शन नहीं है ऑप्शन में आपका है सेक ए काट एट साइन ए और टेन ए अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि, कि किसका 45 डिग्री में वैल्यू वन होता है तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन फंस गए एक काट ए का वैल्यू भी वन होता है और टेन सॉरी काट 45 डिग्री का भी वैल्यू वन होता है टेन 45 का भी वैल्यू वन होता है तो हम एक काम और कर सकते हैं सबसे बेहतर इसे सॉल्व कर ले रहे हैं अगर सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे कॉस ए कॉस ए इसे हम क्या लिख सकते हैं वन बाई कॉस है माइनस कॉस है सेक को वन बाई कॉस लिखेंगे तो वन बाई कॉस है माइनस कॉस है तो वन माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है साइन स्क्वायर ए तो यहाँ पे हम लिखते हैं साइन स्क्वायर ए बाई कॉस ए इंटू अभी यहाँ पे कॉट ए प्लस टेन ए अगर हम करेंगे तो हमें मिलेगा वन बाई साइन ए इंटू कॉस ए वन बाई साइन ए इंटू कॉस ए अभी ये कैंसिल हो जाएगा कॉस से कॉस ये साइन से एक साइन कैंसिल हो गया साइन ए बट कॉस है दैट इज़ टेन ए तो हमारा क्या वैल्यू आया टेन ए आया ठीक है तो ऐसे सॉल्व करेंगे इसे चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज़ वन ट्वेंटी थ्री पॉइंट फोर ज़ीरो एस पी दिया है वन ट्वेंटी थ्री पॉइंट फोर जीरो एक एस पी हमारे पास ये है उसके बाद कह रहा है कि द गेन इज ट्वेंटी परसेंट मोर देन अमाउंट ऑफ लॉस इंकर्ड ऑन सेलिंग फॉर रुपीज़ वन जीरो एट देखिए एक सेलिंग प्राइस है हमारा एक सौ आठ रुपये लेकिन कह रहा है कि एक सौ में बेचने पर जितना हमें लॉस होता है उससे 20 परसेंट जो है हमें लाभ होता है गेन होता है जब हम किसी आर्टिकल को 123.40 में बेचते हैं आप समझे नहीं होंगे तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ पे ले लेंगे अगर लॉस और गेन की अगर बात करें लॉस जो है गेन लॉस से 20 परसेंट अधिक है अगर लॉस 100 है तो ये 120 होगा अगर इसे हम आ, फ्रैक्शन में करेंगे तो कितना आएगा सिक्स फाइव ठीक है मतलब अगर लॉस फाइव है तो गेन आपका कितना है सिक्स है अगर लॉस फाइव एक्स है तो गेन कितना होगा सिक्स एक्स होगा ठीक अब समझते हैं वन ट्वेंटी थ्री पॉइंट फोर जीरो में जब इसे बेचा जाता है तो ऑब्वियसली क्या होगा इसे प्रॉफिट होगा इसे क्या हो रहा है प्रॉफिट लेकिन इस स्थिति में इसे लॉस हो रहा है दोनों सेलिंग प्राइस है ठीक है सेलिंग प्राइस अलग अलग हो सकते हैं लेकिन कॉस्ट प्राइस कभी भी अलग नहीं होता है कॉस्ट प्राइस हमेशा किसी आर्टिकल का हमेशा बराबर रहेगा ये डिपेंड करता है कि हम कितने पे वस्तु को बेचें जब हम कॉस्ट प्राइस से अधिक पर बेचते हैं तो हमें प्रॉफिट हो जाता है कॉस्ट प्राइस से कम पे बेचते हैं तो उसे उस स्थिति में हमें लॉस हो जाता है तो यहाँ पर वही कह रहा है कि इसमें हमने लॉस हुआ है और इसमें हमें प्रॉफिट हुआ है तो जब प्रॉफिट हुआ है मतलब इसने कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा प्राइस पर बेचा था तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा इसके सेलिंग प्राइस में हम इसके गेन को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे जब इसके सेलिंग प्राइस में गेन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें कॉस्ट प्राइस मिलेगा तो अब अगर हम यहाँ लिख देते हैं ऐसे माइनस सिक्स एक्स तो ये क्या हो गया आपका कॉस्ट प्राइस हो गया क्योंकि गेन क्या है सिक्स एक्स है और लॉस क्या है फाइव एक्स है उसी तरह से इसमें अगर हम बात करें लॉस वाले में तो इसमें हमारा जो लॉस uh, हो रहा है वो कितने का हो रहा है फाइव एक्स का तो जब एस पी में जब हम लॉस को जोड़ देते हैं जब लॉस होता है उस स्थिति में जब हम इसमें लॉस को जोड़ देंगे तो ये भी हमें क्या मिलेगा कॉस्ट प्राइस ही मिलेगा तो ये कॉस्ट प्राइस मिल गया ये भी कॉस्ट प्राइस हो गया दोनों क्या होंगे बराबर होंगे तो यहाँ से हम निकाल लेंगे एलेवन एक्स इज इक्वल टू ये उधर ये इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो सब्टेक्ट होने के बाद कितना आएगा वन ट्वेंटी थ्री पॉइंट फोर जीरो और वन जीरो एट तो ये कर लीजिए फोर पाँच एक ठीक है फिफ्टीन पॉइंट फोर तो फिफ्टीन पॉइंट फोर हमारा या आ गया तो एक्स इज इक्वल टू हो गया वन पॉइंट फोर एक्स का वैल्यू वन पॉइंट फोर मिला ठीक है फिर कह रहा है कि यदि आर्टिकल को एक सौ बीस पॉइंट वन ट्वेंटी पॉइंट सेवन फाइव में अगर बेचा जाए वन ट्वेंटी पॉइंट सेवन फाइव रुपीज़ में इसको बेचा जाता ये SP है ये एस पी है सेलिंग प्राइस अगर हो तो उसे क्या होगा प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा तो सबसे पहले हमें ये जब x का वैल्यू जब हम यहाँ रखेंगे या इसमें किसी में भी रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा हमें कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा तो यहाँ पे चलिए रखते हैं वैल्यू तो ये वन पॉइंट फोर इंटू फाइव सेवन हो जाएगा एक सौ आठ हो प्लस सात एक सौ पंद्रह हो गया मतलब ये आपका सेलिंग प्राइस है कॉस्ट प्राइस है ठीक है आप इसमें भी वैल्यू रखेंगे तो यही सेम प्राइस आएगा क्योंकि दोनों कॉस्ट प्राइस ही है तो एक सौ हमें क्या मिल गए कॉस्ट प्राइस मिल गए एक सौ हमें मिल गए कॉस्ट प्राइस तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि प्रॉफ़िट कितना है तो यहाँ से प्रॉफिट कैसे निकालेंगे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे फाइव सेवन फाइव और ये हो गया फाइव पॉइंट सेवन फाइव तो फाइव पॉइंट सेवन फाइव का हमें प्रॉफिट हो रहा है अब प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं प्रॉफिट 5.75 पॉइंट सेवन फाइव इन टू हंड्रेड बाई सी पी हमारा कितना है एक सौ पंद्रह रुपये वन वन फाइव ठीक है अब देखिए अगर हम इसमें ये क्या होगा फाइव टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा ये डबल जीरो है तो ये इसको कैंसलाइज कर देगा तो आपका फाइव परसेंट हो गया राइट आंसर मतलब फाइव परसेंट का उसको गेन होगा चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में सुलेखा बोरोड एंड समीटर्न इट इनटू टू एनुअल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ रुपीज़ फाइव फाइव फोर सेवन ठीक है इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज सेवन एंड हाफ परसेंट पर एन एम कंपाउंडेड ईयरली देन द टोटल इंटरेस्ट पेड बाई हर वाज देखिए एक अमाउंट को दो इंस्टॉलमेंट्स में पेड किया जाता है वो भी कंपाउंडेड जो है कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट से तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपको समझना चाहिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट होता है जिसमें हम इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट को चार्ज करते हैं तो सपोज अगर मान लेते हैं कि वो सम उस सम को उसने दो भाग में डिवाइड करके इंस्टॉलमेंट वाइज किया क्योंकि टू इंस्टॉलमेंट्स में उसने दिया है तो एक सम मान लेते हैं कि एक्स रुपये था और दूसरा वाई रुपीज था ठीक है तो एक्स रुपीज पर भी उसने फाइव फाइव Uh, कितना है फाइव फाइव फोर सेवन फाइव फाइव फोर सेवन रुपीज़ इतना रुपीज़ पे किया और इस पर भी उसने फाइव फाइव फोर सेवन रुपीज़ इंस्टॉलमेंट पे किया ठीक है एक कोई सम था फिर से समझिए इस सम को उसने दो भाग में डिवाइड करके इंस्टॉलमेंट वाइज दिया ऑब्वियसली ये जो अमाउंट है वो इससे कम होगा और ये भी अमाउंट इससे कम होगा क्यों क्योंकि जब हम इंस्टॉलमेंट देते हैं तो उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट एडेड होते हैं यहाँ पे ये चीज़ समझ गए अब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है देखिए इस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 15 बाई टू है और इस पे भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 15 बाई टू परसेंट लेकिन अंतर इसमें ये है कि ये जो आपका जो इंस्टॉलमेंट है इसमें इसका इंटरेस्ट भी एडेड है इसका फिफ्टीन बाई टू परसेंट एक का फिफ्टीन बाई टू परसेंट इसमें एडेड है क्यों क्योंकि ये कंपाउंडेड एनुअली है ये कंपाउंड इंटरेस्ट के रूप में इंस्टॉलमेंट पे किया गया है तो 15 बाई टू परसेंट को यदि हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो इसे हम लिख सकते हैं 15 बाई टू तो ये आ गया 3 बाई फोर्टी ठीक है ठीक है तो 3 बाई फोर्टी आपका आ गया फ्रैक्शन जिसमें से 40 हमें क्या शो करता है जो नीचे का जो फ्रैक्शन है वो शो करता है हमारा टोटल अमाउंट को जो टोटल हमारा सम था ठीक है थ्री को जब हम इसमें ऐड करेंगे तो फोर्टी थ्री हमें शो करेगा कि हमने इंटरेस्ट जोड़ करके उसे कितना दिए तो इंटरेस्ट जोड़ करके हमने ये इंस्टॉलमेंट दिया है ठीक है तो मतलब कि ये हो गया आपका फोर्टी थ्री फोर्टी थ्री आपको इंस्टॉलमेंट को बताएगा तो फर्स्ट वाले केस में फोर्टी हो गया आपका सम मतलब एक्स फोर्टी एक्स के बराबर हो गया और फोर्टी थ्री बराबर हो गया फाइव फाइव फोर सेवन के उसी तरह से सेकेंड वाले में अगर आते हैं तो सेकेंड वाले में मैंने बताया कि इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट को काउंट किया जाता है तो इसमें हम लिखेंगे 43 थ्री बाई फोर्टी इंटू फोर्टी थ्री बाई फोर्टी ठीक है क्योंकि इंटरेस्ट का इंटरेस्ट लिखना होगा तो 43 थ्री बाई फोर्टी का 43 थ्री बाई फोर्टी परसेंट ऐसे लिख सकते हैं अब ये जो 1600 आपको मिला ये आपको y के बराबर है और 43 थ्री इंटू फोर्टी मिला ये इस इंस्टॉलमेंट के बराबर है तब कैसे सॉल्व करेंगे देखिए 40 का 43 का वैल्यू दिया है रेशियो फोर्टी थ्री इज इक्वल टू फाइव फाइव फोर सेवन ये आपका वन और हो गया टू और नाइन वन टू नाइन में वन ट्वेंटी नाइन टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा तो जब हम फोर्टीन का वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे फोर्टी का रेशियो 40 इज इक्वल टू वाट तो वन ट्वेंटी नाइन इंटू फोटी ये कितना आ जाएगा नाइन फोर जो थर्टी सिक्स कैरी थ्री हो गया चार फोर टू एट और थ्री एलेवन वन फाइव वन सिक्स जीरो तो फाइव वन सिक्स जीरो वो अमाउंट था आप देख सकते हैं यहाँ पे कि फ़ाइव वन सिक्स जीरो का उसने कितना इंस्टॉलमेंट पे किया है फाइव थाउजेंड फाइव फोर्टी सेवन रुपीज़ तो ये आपका क्या था अमाउंट था अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में इस सॉरी नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट पार्ट, पार्ट में मैंने बताया कि ये जो फोर्टी थ्री इंटू फोर्टी थ्री है वो इसके इक्वल में है तो फोर्टी थ्री इंटू फोर्टी थ्री में देखिए फोर्टी थ्री मैंने इसे मल्टीप्लाई नहीं किया है क्योंकि कैंसिल होगा ये फाइव फाइव फोर सेवन तो ये तो 129 ट्वेंटी टाइम्स में अभी मैंने कैंसिल किया फिर से ये कितना टाइम्स में कटेगा थ्री टाइम्स में तो थ्री टाइम्स में कैंसिल हो गया इसलिए 1600 का वैल्यू कितना होगा 1600 हंड्रेड इंटू थ्री दैट इज़ फोर्टी आप देख सकते हैं कि 4800 का उसने फाइव फाइव फोर सेवन रुपीज़ इंस्टॉलमेंट पे किया है अब 4800 का भी इतना पे किया और अगला क्या था हमारा जो अमाउंट आया था वो अमाउंट आया था फिफ्टी वन सिक्सटी आप सोचिए कि फिफ्टी फाइव थाउजेंट वन सिक्सटी रुपीज़ में भी उसने इतना इंस्टॉलमेंट पे किया और फोर्टी एट हंड्रेड पर भी उतना ही इंस्टॉलमेंट पे किया इसका रीज़न क्या है कि जो फिफ्टी वन सिक्सटी पर जो उसने इंस्टॉलमेंट पे किया है वो इस रेट से पे किया है तो इतना आ गया ठीक है लेकिन फोटी एट हंड्रेड पर जब उसने इंस्टॉलमेंट पे किया तो से फिफ्टीन बाई टू परसेंट तो एक आया अमाउंट लेकिन उसके बाद उसने इस पर फिर से इंटरेस्ट पे किया फिफ्टी वन सिक्सटी पे दो बार जिससे कि वो बढ़ करके कितना आ गया आपका इंस्टॉलमेंट फिफ्टी फाइव फोर्टी सेवन फिर से इस, इसके बराबर में आ गया तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट सेकेंड टाइम में पे किया गया है इसलिए कम अमाउंट होने के बावजूद भी सेम अमाउंट का जो है इंस्टॉलमेंट पे किया जा रहा है तो आपके पास ये टोटल अगर देखें तो टोटल इसने टोटल कितना सम था सम का टोटल कितना हो गया फाइव वन सिक्स जीरो और यह हो गया आपका फोर्टी एट हंड्रेड तो जीरो हो गया सिक्स नाइन 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 सिक्स जीरो तो नाइन नाइन सिक्स जीरो आपका टोटल सम है नाइन नाइन सिक्स जीरो ठीक है अब टोटल इंस्टॉलमेंट उसने कितने पे किए हैं तो फाइव फाइव फोर सेवन इंटू टू तो यदि इसमें टू से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये होगा फोर्टीन तो नाइन वन वन यहां से हो गया फोर थ्री टू एट बारह सौ चौंतीस रुपये मीन्स दिस इज द इंटरेस्ट उसको इतना रुपए का इंटरेस्ट मिला क्योंकि देखिए टोटल सम था उसके पास नाइन थाउजेंड नाइन सिक्सटी रुपीज़ और इंस्टॉलमेंट के रूप में उसने टोटल पे कर दिया एलेवन थाउजेंड वन नाइन्टी फोर मतलब बारह सौ चौंतीस रुपये का उसने इंटरेस्ट दिया है तो इस क्वेश्चन को ऐसे बनाएंगे चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन थ्री ए इज इक्वल टू कॉस ए प्लस टेन डिग्री साइन थ्री ए इज इक्वल टू कॉस ए प्लस टेन डिग्री ठीक है चलिए तो कॉस हमें पता है साइन नाइन्टी माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा और कॉस नाइन्टी माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा इसे अगर हम साइन थीटा में अगर कन्वर्ट करें तो इसे हम लिख सकते हैं साइन नाइन्टी माइनस ए माइनस टेन तो ये हो गया आपका साइन 90 में से माइनस होगा 10 तो हो गया 80 माइनस ए और इधर भी साइन ए है तो ये दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो ए इज़ इक्वल टू हमें क्या मिलेगा 180 एटी माइनस ए सो हियर ए विल कम दिस साइड एंड इट विल बिकम 2a ए टू ए इज इक्वल टू वन सो सो इज़ इक्वल टू नाइन्टी डिग्री ए का वैल्यू हमें नाइन्टी डिग्री मिल गया अब हम देखते हैं हमें वैल्यू जो है पुट करना है टू cosec थ्री ए बाई टू टू कॉशिक थ्री ए बाई टू टू इंटू कॉशिक थ्री ए थ्री ए आप समझिए देखिए थ्री ए का मतलब हो गया नाइन्टी इंटू थ्री बाई टू तो नाइन्टी इंटू थ्री बाई टू दैट मीन्स फोर्टी फाइव वन थर्टी फाइव डिग्री वन थर्टी फाइव डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं नब्बे प्लस फोर्टी फाइव लिख सकते हैं कॉशेक वन थर्टी फाइव को हम लिख सकते हैं नाइन्टी प्लस फोर्टी फाइव अब अगर हम ये ऐसा अगर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जो पहला क्वाड्रेंट होता है उसमें साइन और इसका उल्टा कॉशेक जो है पॉजिटिव होता है दूसरे वाले में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है तीसरे सॉरी फोर्थ वाले में सेकेंड थर्ड फोर्थ है फोर्थ वाले में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है इसमें सभी पॉजिटिव्स होते हैं ये ग्राफ्स आपको पता होगा अब देखिए कौशेक 90 प्लस 45 है कभी भी आपका 90 प्लस 45 रहे या 270 के मल्टीपल uh, में रहे तो उसमें हम वैल्यू को क्या करते हैं चेंज कर देते हैं साइन का वो कॉस हो जाता है कॉस का साइन हो जाता है टेन का कॉट हो जाता है कॉट का टेन हो जाता है इस तरह से वैल्यू चेंज हो जाता है और सेक का कॉशेक हो जाता है तो यहाँ पे कॉशेक 90 प्लस 45 है तो कॉशिक 90 प्लस 45 का मतलब किस क्वाड्रेंट में है इस क्वाड्रेंट में इसमें साइन और कॉशेक पॉजिटिव होता है इसमें टेंशन नहीं लेना है तो आपका आपको कितना आ गया ये कॉशेक नाइन्टी प्लस फोर्टी फाइव हो जाएगा आपका सेक ठीक है सेक फोर्टी फाइव तो सेक फोर्टी फाइव का वैल्यू कितना होता है वन बाई रूट टू प्लस इसके बाद है सिक्स साइन स्क्वायर थ्री ए सिक्स साइन स्क्वायर थ्री ए देखिए थ्री ए अगेन है मतलब टू हंड्रेड सेवेंटी का बात कर रहा है ये तो साइन स्क्वायर थ्री ए तो इसे हम कितना लिखेंगे वन एटी प्लस नाइन्टी ठीक है तो साइन ए वन एटी प्लस नाइन्टी देखिए साइन वन एटी प्लस नाइन्टी ये वन एटी यहाँ तक है इससे क्रॉस करके इसमें आ गया थर्ड क्वार्ट में तो इसमें जो साइन का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा निगेटिव होगा क्योंकि इसमें कॉस और सेक्स सिर्फ पॉजिटिव है तो साइन साइन ही है ना तो साइन थ्री साइन वन एटी प्लस नाइन्टी का वैल्यू हो गया माइनस साइन नाइन्टी डिग्री माइनस साइन नाइन्टी डिग्री और माइनस साइन नाइन्टी डिग्री का वैल्यू होता है साइन नाइन्टी डिग्री का वैल्यू कितना होता है वन होता है और चूंकि ये साइन स्क्वायर है तो माइनस वन का स्क्वायर हो जाएगा वन और सिक्स इसके साथ मल्टीपल में है तो इसलिए हम क्या लिखेंगे सिक्स तो इसके जगह मैं लिखूंगा सिक्स प्लस उसके बाद है माइनस थ्री बाई टू टेन स्क्वायर थ्री ए माइनस थ्री बाई टू टेन स्क्वायर थ्री ए टेन स्क्वायर थ्री ए का मतलब थ्री ए का मतलब हो गया टू हंड्रेड सेवेंटी डिग्री तो फिर से ये लिखेंगे वन एटी प्लस नाइन्टी तो यहाँ पे टेन जब आएगा आइए देखिए यहाँ पे भी टेन का वैल्यू क्या होता है निगेटिव होता है क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में वन एटी प्लस जाएगा तो कॉस और सेक्स ही पॉजिटिव रहेंगे तो टेन स्क्वायर थ्री ए चूंकि ये स्क्वायर है तो हमें निगेटिव से नहीं डरना है वो अल्टीमेटली क्या होगा पॉजिटिव ही बनेगा हमें सिर्फ वैल्यू पे कंसंट्रेट करना है तो टेन थ्री ए का वैल्यू दैट विल बी इक्वल टू cot 90 डिग्री समझ गए टेन थ्री ए कितना होगा कॉट 90 डिग्री के बराबर समझ गए यहाँ पे आप समझिए टेन वन एटी प्लस नाइन्टी है ना तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कॉट 90 और कॉट 90 का जो वैल्यू है उसका स्क्वायर कर देंगे तो देखिए कॉट नाइन्टी कितना होगा आपको कॉट नाइन्टी निकालने के लिए कोई टेंशन नहीं लेना है कॉस कॉट थीटा होता है कॉस थीटा बाई साइन ठीटा तो कॉट कॉस नाइन्टी डिग्री बाई साइन नाइन्टी डिग्री कॉस नाइन्टी का वैल्यू कितना होता है कॉस नाइन्टी का वैल्यू होता है आपको जीरो तो जीरो जब ऊपर हो गया और नीचे जो भी रहे उसे कोई मतलब नहीं वो जीरो हो जाएगा वैल्यू तो ये वैल्यू आपका क्या हो गया जीरो तो इससे कोई हमें कोई मतलब नहीं है तो यहाँ हमें मिलेगा कितना इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी दिख रहा है मुझे चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं इसे देख लूँगा बाद में ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन फिफ्टीन डेज ए किसी काम को फिफ्टीन डेज में करता है देखिए ए किसी काम को फिफ्टीन डेज में करता है बी इज ट्वेंटी फाइव परसेंट मोर इफिशियंट देन ए बी जो है ए से पच्चीस परसेंट ज्यादा इफिशियंट है बी ए से ए और बी अगर हम लेते हैं तो बी ए से पच्चीस परसेंट ज़्यादा इफिशियंट है ठीक है यही कह रहा है हाँ तो अगर ये हंड्रेड है तो ये कितना होगा 125 हो गया तो इसे हम कैंसिल कर सकते हैं फोर रेशियो फाइव ठीक है उसके बाद कह रहा है कि सी इज फोर्टी परसेंट मोर इफिशियंट देन बी सी बी से ज़्यादा है चालीस परसेंट सी जो है B से भी ज्यादा है सी यहाँ पे बी से भी ज़्यादा है चालीस परसेंट तो B को अगर हम यहाँ 100 मानते हैं तो C कितना होगा 140 हो जाएगा एक कैंसिल हो गया टू से फाइव टाइम्स में टू से सेवन टाइम्स में फाइव रेशियो सेवन ठीक है देखिए A रेशियो B आ गया फोर रेशियो फाइव और B रेशियो C आ गया फाइव रेशियो सेवन हमें मिल गया वैल्यू तीनों का अब कह रहा है कि ए एंड सी वर्क टूगेदर फॉर थ्री डेज ए और सी ने तीन दिनों तक कार्य किया तो सबसे पहले तो टोटल काम कितना हो गया अभी समझ लीजिए आप कि ये टाइम का इफ़ीसियंसी बी और सी तीन लोग हैं इफ़ीशियंसी का जो रेशियो है वो कितना आ गया फोर फाइव सेवन फोर फाइव सेवन तो टोटल वर्क हमें कितना मिला टोटल वर्क हमें मिलेगा सिक्सटी टोटल वर्क क्या होता है टाइम इंटू इफ़िशियंसी टोटल वर्क सिक्सटी हो गया तो सिक्सटी यहाँ पे हमें काम को करवाना है सिक्सटी काम को करवाना है किसके किसके साथ करवाना है वो हम क्वेश्चन में देखेंगे तो यहां पे कहता है ए एंड सी वर्क टुगेदर फॉर थ्री डेज ए और सी तीन दिन तक कार्य करते हैं तो ए कितना है फोर है सॉरी ए कितना है फोर है सी कितना है सेवन है तो सात प्लस चार ग्यारह ग्यारह इफिशियंसी से तीन दिन तक कार्य करेंगे उसके बाद कह रहा है कि सी लिप्स सी चला जाता है और ए और बी काम को करता है तो ए और बी यहाँ पर कितना हो गया फाइव प्लस फोर तो ये नाइन वर्क को करेगा x डेज तक तो यहां से आपको आ गया x इज इक्वल टू थर्टी थ्री अगर माइनस होगा तो ट्वेंटी सेवन और ये नाइन नीचे जाएगा तो थ्री टाइम्स में तो x इज इक्वल टू थ्री मिला x क्या था हमारा x हमने माना था कि a और c ने मिलकर x डेज तक कार्य किया था a और b ने सॉरी a और b है यहां पे तो a और b विल कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन तो यही हमें निकालना है तो हमें कितना वैल्यू मिला थ्री तो सो थ्री इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं इन ट्रायंगल एबीसी ए माइनस बी इज इक्वल टू थर्टी थ्री डिग्री देखिए ए माइनस बी इज इक्वल टू दिया है थर्टी थ्री डिग्री b माइनस सी इज़ इक्वल टू एटीन डिग्री बी माइनस सी इज इक्वल टू एटीन डिग्री ठीक है ये एटीन डिग्री है हमें क्या फाइंड आउट करना है हमें फाइंड आउट करना है वाट इज़ द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट एंगल ऑफ द ट्रैंगल सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे लार्जेस्ट एंगल जो ट्रैंगल का है उसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है लार्जेस्ट का और इस्मॉलेस्ट का सम निकालना है तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि सबसे लार्जेस्ट कौन होगा आप क्वेश्चन सही दिखा बता सकते देखिए ए से छोटा है बी तभी तो बी सब्ट हो रहा है उसी तरह से बी से छोटा है सी तो सबसे बड़ा ए हो गया और सबसे छोटा सी हो गया यहाँ से ही दिखने से इस इक्वेशन से ही पता चल गया हमें अब किसी भी ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री तो हम लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू वन डिग्री ठीक है तो हमें ए और सी निकालना है तो क्या करेंगे सभी को ए के फॉर्म में हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो गया ए प्लस देखिए बी का वैल्यू हो जाएगा ए प्लस ए माइनस थर्टी थ्री ए माइनस थर्टी थ्री यहाँ से यहाँ से मैंने बी निकाल लिया प्लस सी का वैल्यू यहाँ से देखिए हमें क्या मिलेगा यहाँ से हमें सी का वैल्यू मिलेगा सी इज इक्वल टू बी माइनस एटीन है ना सी इज इक्वल टू बी माइनस एटीन सी का वैल्यू मिला बी माइनस एटीन लेकिन हमें सी का वैल्यू बी के फॉर्म में नहीं ए के फॉर्म में लिखना है फिर हम बी का वैल्यू कितना हमने फाइंड आउट किया था ए माइनस थर्टी थ्री यहां से हम बी का वैल्यू ए माइनस थर्टी थ्री रखेंगे तो ए माइनस थर्टी थ्री माइनस एटीन सो यहां से गया आपका ए माइनस वन है ना चलिए तो ए माइनस फिफ्टी वन आ गया आपका सी तो का वैल्यू ए के फॉर्म में तो यहां हम लिख सकते हैं ए माइनस फिफ्टी वन ये टोटल मिल क्या हो गया वन एटी वन टू थ्री ए है थ्री ए कर लेंगे उसके बाद इक्वल टू देखिए थर्टी थ्री और फिफ्टी वन ऐड होगा तो कितना होगा एटी फोर एटी फोर एटी फोर माइनस हो गया इधर आकर के तो 6 बचा और ये नौ बचा ठीक है तो इज इक्वल टू हो गया थर्टी टू थर्टी टू डिग्री ए का वैल्यू कितना मिला थर्टी टू ठीक है सॉरी ये इधर आके ऐड हो जाएगा मैंने उल्टा कर दिया है चार सोलह टू सिक्सटी फोर टू सिक्सटी फोर में डिवाइड करिए तो थ्री एटर ट्वेंटी फोर और फिर टू फोर थ्री एट ट्वेंटी फोर एटी एट ए का वैल्यू एटी एट मिल गया अब हमें सी का वैल्यू फाइंड आउट करना है क्योंकि ए और सी का हमें सम निकालना है सबसे बड़ा एंगल और सबसे छोटा एंगल का सम तो सी कैसे मिलेगा देखिए अब ए का वैल्यू जब एटी एट इसमें रखेंगे तो बी विल बी हाउ मच एटी एट माइनस थर्टी थ्री दैट इज फिफ्टी फाइव तो जब बी फिफ्टी फाइव मिला तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो सी इज इक्वल टू फिफ्टी फाइव माइनस एटीन ये हो गया आपका थर्टी सेवन डिग्री तो इन दोनों को क्या निकालना है सम तो एटी एट प्लस थर्टी सेवन एक सौ पच्चीस डिग्री दिस इज द राइट आंसर तो इस क्वेश्चन को ऐसे बनाते हैं सभी को हम ए के फॉर्म में कर लिए ए का वैल्यू जैसे ही मिला हमने वैल्यू को सबके सब इक्वेशन सब में पुट करके अदर अदर वैल्यूज़ को हमने फाइंड आउट किया तो इस क्वेश्चन को ऐसे बनाते हैं